हे एवरीवन, बिजी कुजीन में आप सबका स्वागत है। ईट एंड एंजॉय। इस यमी लुकिंग चॉकलेट केक को आज बनाते हैं घर पे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, घर में रखे सामान से झटपट तरीके से बनाते हैं चॉकलेट केक। तो आज मैं एक और ऐसी डिश शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों और बड़ों सभी की बहुत फेवरेट होती है, चॉकलेट केक। तो देखते हैं हमें इस केक को बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है केक बनाने का। यहाँ पर हम लेंगे ये एक बोल या एक कप मैदा है, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी, दो बड़े चम्मच ये ऑयल है कुकिंग ऑयल, आधा बोल कर्ड है ये खट्टा दही, आधा कटोरी ये मिल्क है फ्रेश मिल्क बैटर बनाने के लिए, और चाहिए एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, दो बड़े चम्मच कोको पाउडर और एक बड़ा चम्मच विनेगर। तो चलिए पहले हम बैटर बना लेते हैं। तो हम एक बड़ा बोल लेंगे, उसमें डालेंगे हम मैदा, डालेंगे पिसी हुई चीनी, दही डालेंगे। अब पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक विस्कर की हेल्प से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक पेस्ट बनाएंगे, इस तरह से दूध डालते हुए इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो अब ये हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इस तरह का पेस्ट बन गया है। तो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो अभी हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरह से, डालेंगे ऑयल दो बड़े चम्मच, कोई भी जो कुकिंग ऑयल होता है, अब डालेंगे हम एक चम्मच विनेगर, इससे केक स्पॉन्जी बनता है। आधा आधा चम्मच दो बार डाला है तो एक बड़े चम्मच विनेगर। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा केक का बैटर बन के रेडी है। इस तरह से एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई लम्स ना हो, लम्स फ्री इस तरह से। तो यहाँ पर एक टिन को हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा के या बटर लगा के या घी भी लगा के, इसको किसी से भी ब्रश करके ग्रीस कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब इसमें हम इस बैटर को पोर करके इसको बेक होने के लिए रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। तो इसको पोर कर देते हैं। हम कोई भी साइज़ और शेप का ले सकते हैं टिन, जैसा हमें केक बनाना है जितनी क्वांटिटी में, तो इस तरह से इसको हम पोर कर देंगे। तो ये हमने बेक करने के लिए, प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख दी है पहले ही। 10 मिनट इसको हो गए हैं प्री हीट होते हुए। तो यहाँ पर हमने बेस में नमक बिछा दिया है और एक कटोरी को लगा दिया ताकि हमारा थोड़ा टिन ऊपर हो जाए, सरफेस को टच ना करे। और इसको अब हम इसमें बेक होने के लिए रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। लिड को ढक देते हैं इस तरह से और इसको हम बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो गए हैं, तो ये केक बेक हो गया होगा। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ ये। तो इसको अब बाहर निकाल लेते हैं और इसको अब एक इस प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो केक अब ये ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे, ये अच्छे से ठंडा हो गया है आधे घंटे में। तो चलिए इसको हम ऊपर की टॉप इसकी थोड़ी सी काट लेंगे और इसको चॉकलेट गनाश के साथ अच्छे से गार्निश करेंगे। इस तरह से इसका टॉप काट लेंगे हम ताकि ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए गनाश। अब हम यहाँ पर एक शुगर सिरप से इसको कोट करेंगे। ये चीनी और शुगर मिक्स करके शुगर सिरप बना लिया है, इसको अच्छे से हम इस तरह से कोट करेंगे ताकि अंदर तक मॉइस्ट रहे और सूखा सूखा फील ना हो। जब हम इसको बाइट लें तो ये अच्छे से अंदर तक मॉइस्ट हो। तो इस तरह से शुगर सिरप में इसको अच्छे से हम कोट कर लेंगे। अब हम इस गनाश के साथ इसको
अच्छे से गार्निश करेंगे। ये चॉकलेट को मेल्ट करके, डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके और उसमें चीनी ऐड करके ये गनाश तैयार किया है इसको। तो अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पहले टॉप पे डालेंगे। इस तरह से इसको पूरे पे अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे और इसी तरह हम साइड में भी इसको अच्छे से स्प्रेड करके पूरा कोट कर लेंगे ताकि हर बाइट में चॉकलेट का बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम केक को थोड़ा और चॉकलेटी, थोड़ा और टेस्टी बनाते हैं। ये ओरियो बिस्किट हैं, चॉकलेट ओरियो बिस्किट, तो इसके साइड पे यहाँ पर वॉल पे हम इनको चिपकाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा गैप लगाते हुए इस तरह से इनको पूरे केक पे हम लगा लेंगे। अब थोड़ा सा ओरियो बिस्किट के 2-3 बिस्किट लेकर हम इसका ऐसे क्रश करके एक चूरा बना लेंगे और इसके टॉप पर इसको स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगे इस तरह से। अभी थोड़ा और टेम्पटिंग बन गया है। तो लीजिए हमारा चॉकलेट केक जो कि झटपट तैयार हो गया है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बनकर रेडी है। तो आप भी इसे अपने घर ज़रूर बनाएं और सभी को खुश करें। ईट एंड एन्जॉय। इसी तरह की टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें।